स्नेहा अनुज की रसोई में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बना के दिखाऊंगी मैंगो केक, वो भी कढ़ाई में, बिना ओवन, बिना कुकर और कढ़ाई में। बहुत ही इजी मेथड से मैं आपको बताऊंगी मैंगो केक। तो चलिए शुरू करते हैं मैंगो केक बनाना। मैंगो केक बनाने के लिए सबसे पहले केक टिन को ग्रीस करेंगे ऑयल या घी से, किसी से भी आप केक टिन को ग्रीस कर सकते हैं। केक टिन ग्रीस हो गया, अब इसमें बटर पेपर लगाएंगे। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप मैदा से भी डस्ट कर सकते हैं। फिर इसके ऊपर भी हल्का सा ऑयल से ग्रीस करेंगे। ये देखिए हमारा केक टिन ग्रीस हो गया है। तो चलिए चलते हैं मैंगो केक बनाने के लिए। मैंगो केक बनाने के लिए सबसे पहले हम मैंगो ग्लेज बनाएंगे। तो उसके लिए हमने एक आम लिया है, इसको हम छील के छोटा छोटा काट लेंगे। आम को छोटा छोटा काट लिया है, अब इसका प्यूरी बनाएंगे। देखिए प्यूरी तैयार है। तो चलिए अब इसका ग्लेज बनाते हैं। ग्लेज बनाने के लिए पैन को गरम करेंगे और पैन में इस मैंगो प्यूरी को डाल देंगे। हाफ कप शुगर डालेंगे और फ्लेम को मीडियम पे चलाएंगे। हमें 5 मिनट तक इसे चलाना है, फ्लेम को मीडियम पे रखना है। हाफ टीस्पून सॉल्ट डालेंगे, लाएंगे। सॉल्ट से मैंगो ग्लेज का जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आएगा। 5 मिनट हो गया है, मैंगो ग्लेज तैयार है। हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब केक बनाने की तैयारी। केक बनाने से पहले हम एक कढ़ाई को प्रीहीट करने के लिए छोड़ देंगे। मैंने एक कढ़ाई ली है, इसके अंदर एक छोटा सा प्लेट रख दिया है। आपके पास अगर स्टैंड है तो आप स्टैंड रख दें और इसे प्रीहीट करने के लिए छोड़ देंगे जब तक ये हम बैटर तैयार करें। बैटर बनाने के लिए मैंने हाफ कप पाउडर शुगर लिया है, 1/4 कप ऑयल, इसकी जगह पे घी या फिर बटर का भी यूज कर सकते हैं। 1 कप मिल्क, मिल्क मेरे पास पहले से ऊपर ये रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। अच्छे से मिलाएंगे जब तक कि शुगर पूरी तरह डिजॉल्व ना हो जाए। ये अच्छे से मिल गया है, अब हम इसमें डालेंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। 1/2 कप मैदा, मैंने सबका मेजरमेंट मेजरिंग कप से लिया है। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, को छान लेंगे, इसे मिलाएंगे। कट एंड फोल्ड मेथड यूज करके मिलाएं, ओवर मिक्स ना करें। ये देखिए ये मिक्स हो गया है, अब हम इसमें मैंगो ग्लेज डालेंगे। 4 टेबलस्पून मैंगो ग्लेज डालेंगे, इसे मिलाएंगे। ये मिल गया है, अब इसे केक टिन में डाल देंगे। हल्का सा टैप करेंगे, हमारी कढ़ाई प्रीहीट हो गई है, इसे हटाएंगे, केक टिन को इसमें रख देंगे। हमें इसे 60-65 मिनट के लिए लो फ्लेम पे बेक करना है। फ्लेम को लो पे रखें। 60 मिनट हो गया है, एक बार लिड को हटा के चेक करते हैं कि ये बेक हुआ है कि नहीं। टूथपिक लेके चेक करें। ये देखिए मेरा ये बिल्कुल क्लीन निकल रहा है, इसका मतलब ये बेक हो गया है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे पूरी तरह ठंडा होने देंगे। ठंडा हो गया है, अब इसे इस प्लेट में निकाल लें। प्लेट को केक के ऊपर रखें और इसे पलट से पलट दिया, अब इसका ये जो बटर पेपर ये निकाल देंगे। ये देखिए हमारा मैंगो केक रेडी है, आप देख सकते हैं ये कितना सॉफ्ट बना है। अब इसको थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं क्योंकि मुझे आता भी नहीं है। थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे, इसका जो ये ऊपर का पार्ट है इसको काट देंगे। मैंने ऊपर से इसे काट के हटा दिया है, अब देख सकते हैं कितना सॉफ्ट बना है, ये देखिए, और कितना मॉइस्ट भी है। अब इसके ऊपर हम ये हमने जो ये मैंगो ग्लेज बनाया था ये डालेंगे। ये इतना बच गया था, ये डाल देंगे। इसे अच्छे से स्प्रेड कर देंगे, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट से डेकोरेट कर देंगे। ये देखिए हमारा केक रेडी है, बस थोड़ा सा ऊपर से ड्राई फ्रूट से डेकोरेट कर दें, एकदम परफेक्ट केक बन गया है, आप देख सकते हैं। आप भी अपने घर में ट्राई करें। तो कैसा लगा आपको मेरा ये मैंगो केक का रेसिपी?
देखा ना कितना आसान था। मैंगो का सीजन है, आप सब भी अपने घर में जरूर इस रेसिपी को ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगा, बच्चों को बहुत पसंद आएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही में मेरे यूट्यूब चैनल नेहा अनुज की रसोई को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए कल ठीक 9 बजे मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ।